नमस्कार, प्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। नाम और परिचय। मैं दुर्गेश अवस्थी, जिला अध्यक्ष पत्रकार समाज कल्याण समिति रायबरेली। आज जिला अधिकारी आवास और एसपी आवास के परिसर में आप लोगों के द्वारा क्या कार्यक्रम किया गया? विगत 3 वर्षों से हमारे संगठन द्वारा हर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। कौन से वृक्ष को आपने आज रोपण किया? हम लोगों ने आम के पेड़ लगवाए। 2 अक्टूबर के अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे? 2 अक्टूबर के अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को, जिले वासियों को सबको बधाई देना चाहता हूँ। गांधी जी के आदर्शों पर चलने की नसीहत देना चाहता हूँ। लेकिन शासन की व्यवस्थाओं से मैं थोड़ा सा आज दुखी हुआ। क्या आपके साथ किसी अधिकारी ने वृक्षारोपण किया? जी नहीं, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय का फोन मिलाने पर 3 बार फोन का फोन नहीं उठा और जिला अधिकारी महोदया ने से बात की गई। एडीएम प्रशासन को ये कार्य सौंपा था लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा कि हमें कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है, इसलिए हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे। किसने कहा ये बात? एडीएम प्रशासन श्री अमित कुमार जी। उसके बाद आपने कहीं कोई शिकायत की? मैंने डीएम मैडम को फोन पे बताया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी देखती हूँ। उसके बाद से अभी तक उनका कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ पर 4-5 सिपाही वगैरह बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आज कोई अधिकारी नहीं मिलेगा। लेकिन आज ये 2 अक्टूबर भी तो है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये उनका महकमा बता सकता है, जैसे कि इन्होंने बता दिया कि बिना किसी प्रशासनिक आदेश के हम पेड़ नहीं लगा सकते, वैसे उनका महकमा भी बता सकता है कि संडे के दिन पुलिस की छुट्टी रहती है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर। हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।